और सत्कार जो बड़े भाई अहमद पटेल जी गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई भरत सिंह सोलंकी जी सीएलबी के लीडर बापू शंकर सिंह वघेला जी हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मिस्त्री साहब सिद्धार्थ पटेल जी शक्ति सिंह जी अर्जुन भाई जी मेरे बड़े भाई सज्जन वर्मा जी बहन प्रभा जी तुषार जी परेश दनानी जी और इस खूबसूरत हॉल में आए हुए कांग्रेस के जांबाज बहादुर साथियों आज गुजरात दिवस की यहां शुभकामनाएं पंजाब से देने आया हूं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से देने आया हूं और 1 मई को लेबर डे श्रमिकों का जो दिन है वो लेबर जिसने पूरे दुनिया को इस पूरे ग्लोब को निर्मित किया तो मेहनती हाथों ने किया उनको सलाम करने आया हूं आज इस दिवस पे जहां गुजरात डे की सेलिब्रेशंस की जा रही हैं तो हम किसान मेहनती किसान और मजदूर उसको नहीं भूल सकते क्योंकि जो अन्न देता है वो मेहनती हाथ जो इंसानियत को अन्न देता है वो किसान में खेती करके देता है हमारे आदरणीय राहुल जी ने हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने किसानों की जो आज हालात हैं देश में उसका मुद्दा उसका जो इशू है पूरे देश में उठाया है साथियों 2 दिन पहले राहुल जी पंजाब में गए थे मंडियों में जाके उन्होंने देखा कि जो दिन रात किसान ने मेहनत की पंजाब में ना तो बीज टाइम से मिला खाद जो है उसके लिए ब्लैक हुई और खाद मिली नहीं जिसको फर्टिलाइजर बोलते हैं और आज जब फसल लेकर आए किसान तो उसका भी पूरा कीमत नहीं मिल रहा हमारे यहां जो बासमती राइस आप खाते हैं जब कांग्रेस का राज था 4800 रुपए का उसका भाव था और आज जब कहने को जो अच्छे दिन आए हैं तो किसान को उसका जो मूल्य है उसकी कीमत सिर्फ 1800 रुपए महज 1800 रुपए मिल रही आज मंडियों में जो कॉटन है आपके यहां भी होती है कॉटन पंजाब में हमारी बेल्ट है अबोहर बेल्ट उसमें कॉटन बहुत होती है कांग्रेस के राज में 5500 रुपए में मिलती थी और आज महज 3800 रुपीज की मिल रही और आलू जो है 600 रुपए का भाव होता था आज 75 रुपए का एक बैग मिलता मतलब किसान को दबाने का जो नई सरकार बनी है इसका जो अच्छे दिन कहां है हमें पता नहीं है पर एक चीज बड़ी क्लियर है कि गरीब मजदूर किसान किसी का भी हालात अच्छे नहीं आज उस गुजरात में जहां से महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने ना केवल कांग्रेस को पूरे देश को दिशा दी आज उस गुजरात को हम लोग तो यूनिवर्सिटी से प्रेसिडेंट मैं था पंजाब यूनिवर्सिटी में और मैं जब पॉलिटिक्स राजनीति में आया तो हम अहमद भाई को देखते आप ही ने दिया ऐसा महान लीडर जो पूरे देश में जिन्होंने मेहनत करके हम जैसे जमीन पे और बॉर्डर पे बैठे हुए चुन चुन के कांग्रेस की सेवा में लोग दिए आज उस गुजरात में मेरे को याद है जब पिछली बार एक खेडू जो किसानों की रैली हुई थी राजकोट में अहमद भाई उस रैली में मैंने देखा 30,000 से ज्यादा किसान इकट्ठे हुए हमारे जनरल सेक्रेटरी माननीय कामत साहब थोड़ा लेट हो गए बहुत खूब जोर से बारिश हुई अर्जुन भाई को पता है तो एक भी इंसान 2.5 घंटे बारिश होती रही वहां से नहीं हिला वो बहादुर किसान वहां खड़े थे कांग्रेस की रैली में खड़े और जब मैं आपके यहां आता हूं तो कितने इंटेलिजेंट बहादुर कांग्रेस के वर्कर मिलने को मिलते